नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के लाइटनिंग जैक के बारे में। यदि दोस्तों आपके आईफोन का लाइटनिंग जैक प्रॉपरली वर्क ना करता हो या फिर आपका आईफोन चार्जिंग में दिक्कत करता हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन के लाइटनिंग जैक को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आईफोन के लाइटनिंग जैक की शेप होती है वो इस तरीके की होती है कि कुछ समय के बाद जो है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोस्टली स्मार्टफोन में, मतलब तकरीबन सभी स्मार्टफोन में आईफोन को छोड़ के सी टाइप जैक को यूज किया जाता है। बस एक आईफोन ही अकेला ऐसा फ़ोन है जो अपनी धुन में अलग से चलता है। देखिए दोस्तों, जितने भी तमाम हमारे स्मार्टफोन हैं सभी में सी टाइप जैक दिया हुआ है। देखिए सी टाइप जैक में बहुत रेयरली प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग तरीके का होता है, लेकिन एक आईफोन ही ऐसा है जिसमें सी टाइप जैक को नहीं दिया है, लाइटनिंग जैक को यूज किया हुआ है। लेकिन लाइटनिंग जैक की जो शेप है वो थोड़ी अलग किस्म की है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप आईफोन की डेटा केबल को समझिए। देखिए दोस्तों, ये डेटा केबल है, ऊपर यहाँ पर जो कनेक्टर है यहाँ पर आपको प्रिंट मिलेंगे, दूसरी तरफ नीचे भी आपको प्रिंट मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये लाइटनिंग जैक है, प्रिंट है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है, ऊपर की तरफ कोई प्रिंट नहीं है, नीचे की तरफ प्रिंट दिया हुआ है। जब आप इस लाइटनिंग केबल को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली प्रिंट है वो आईफोन के जो लाइटनिंग जैक के प्रिंट है उसको टच करती है, उसके बाद से वो चार्जिंग होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का कीमती समय ना खराब करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे, वीडियो को मैं बेवजह लंबा नहीं बनाऊंगा। गाइज क्या होता है कि जब आप अपने आईफोन को ज़्यादा टाइम हो जाता है आपको यूज करते करते, देखिए गाइज इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मेरे को 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले मैंने ये फ़ोन परचेज किया था एप्पल स्टोर से, लेकिन मेरे फ़ोन में कोई भी कमी नहीं आई। लेकिन अब कुछ दिन पहले क्या कमी आई थी कि ये प्रॉपरली चार्ज नहीं करता था। मेरे को लगता था शायद डाटा केबल ख़राब है, तो मैंने डाटा केबल भी लेके देख लिया, तो उसके बावजूद भी ये प्रॉपरली चार्ज नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ कमी आ जाती थी, ये प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाता था। अगर इसको लेके आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मैकेनिक के पास जाओगे या फिर आप सर्विस सेंटर पे जाओगे, विजिट करोगे, तो दोस्तों आपके 1000 से 2000 रुपये का खर्चा आएगा। यदि आप किसी लोकल मैकेनिक के पास जाओगे तो आपका 800 रुपये का खर्चा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि लाइटनिंग जैक अकेला चेंज नहीं होता, इसके साथ में दोनों स्पीकर, माइक और लाइटनिंग जैक, ये चार चीज़ जो है वो चेंज होती है, क्योंकि इसमें रिबन केबल होती है जिससे कि सारे के सारे अटैच होते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपरली आपका कनेक्ट नहीं हो पाता, ये डस्टिंग की वजह से नहीं हो पाता। गाइज ये जो सॉल्यूशन है ये मैंने खुद इस्तेमाल करके देखा है, तभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझसे 800 रुपये मांग लिए थे मैकेनिक ने, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने आईफोन को छिड़वाऊंगा बाहर किसी लोकल मैकेनिक से। लेकिन आईफोन के ओरिजिनल एसेसरी ऐसे आसानी से उपलब्ध तो नहीं होती एप्पल स्टोर के अलावा, तो दोस्तों मैं इसको लेकर आ गया और मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि यहाँ पर जो है वो डस्टिंग आई हुई थी, क्योंकि दोस्तों एप्पल ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जल्दी से ख़राब नहीं होता। जी हाँ गाइज, एप्पल जल्दी से ख़राब नहीं होता। देखिए गाइज, यहाँ पर डस्टिंग आई हुई थी, तो मैंने एक इस तरीके की सुई ली, एक पिन ली, नीडल लिया और उसके यहाँ से इस तरीके से मैंने डस्टिंग को निकाला। देखिए गाइज, अभी आपका जो आईफोन है वो प्रॉपरली कनेक्ट ना होता हो, प्रॉपरली चार्ज ना होता हो, क्योंकि ये बहुत कॉमनली प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। यदि आपका फ़ोन प्रॉपरली चार्ज ना हो पाता हो तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। तो जैसे ही आप इसकी डस्टिंग को बाहर निकालोगे आपका आईफोन प्रॉपरली काम करने लग जाएगा आपको, क्योंकि आईफोन के स्पेयर पार्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि जो इनकी बिल्ड क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो पाते। क्योंकि ये फ़ोन आप मेरा देख सकते हो कितना डैमेज है, यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर से गिर गया था और इसको कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट इसका थोड़ा सा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यदि आपका आईफोन चार्ज ना होता हो तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं, आपका आईफोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाए।